हेलो क्लास 11, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश का आपका फर्स्ट, आपकी जो बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर पोइट्री का है अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ जो है एक पोयम है जो शर्ली टॉल्सन पोएट ने लिखी है। हम आपको ये समझाते हैं, पहले हम आपके लिए फोर लाइन्स ऑफ पोएम पढ़ते हैं। द कबर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड and she the big girl some 12 years or so, and three stood still so smiled through their hair at the uncles with the camera and sweet face our mothers that was before I was born, and the sea which appears to have changed less watched their terrible transit feet। In this poem you see शर्ली टॉल्सन पोएट है, वो अपनी मदर की बहुत पुरानी एक फोटोग्राफ उठा के देखती हैं। उस फोटोग्राफ में देखती है, वो फोटोग्राफ सी बीच की है जहाँ पे उसकी मदर है और टू कजन्स हैं जो उनके साइड में उसका हैंड होल्ड करे हुए हैं और उनके अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं। द पोएट इज लुकिंग अ फोटोग्राफ, इट इज मदर्स फोटोग्राफ, इट इज शी व्हेन शी द मदर स्टूड लुक लाइक शी वॉज लिटिल गर्ल। उसकी उस फोटोग्राफ में उसकी मदर बिल्कुल एक लिटिल गर्ल लगती है। एट दैट टाइम शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, उस समय उसकी माँ जब उसकी फोटोग्राफ हो रही थी वो 12 इयर्स की थी। एंड द फोटोग्राफ शोज दैट द बीच शोज विद हर टू गर्ल्स कजन, और फोटोग्राफ क्या शो करती है, एक बीच और टू उसकी कजन्स, द कजन्स वर यंगर इन एज, ईच वन इज होल्डिंग ऑफ अ मदर्स हैंड, और उन क्या फोटो दिखाती है, मदर बड़ी है 12 इयर्स की है और जो उनकी छोटी कजन्स हैं वो उनसे छोटी हैं, और वो दोनों वहां पे सब स्माइलिंग फेस करके फोटो खिंचाते हैं। It must be a windy at that time, that was why their hands was flying in the face। और उस समय ये दिख रहा फोटोग्राफ कैसे दिखा रही है कि उनके जो बाल हैं वो ऐसे करके हवा में हैं, हवा चल रही है और क्योंकि उनके फेस पे उनके बाल आ रहे हैं तो ये शो करती कि उस समय जब फोटोग्राफ हो रही थी तब हवा चल रही थी। दे और वर स्माइलिंग इन अंकल हु हैड टेकन द कैमरा एंड वाज टॉकिंग टेकिंग देयर फोटोग्राफ, और वो सब लोग स्माइल ले रही थी और अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे। लुकिंग एट द फोटोग्राफ द पोएट सेज दैट आवर मदर हैड अ स्वीट फेस, जब पोएट अपनी मम्मा की ये पुरानी बहुत पुरानी फोटो देखती है तो देखती मेरी मम्मा की कितनी प्यारी स्वीट स्माइल वाला फेस था। एंड बट इट वॉज अ टाइम बिफोर द शी द वॉज बॉर्न, और सोच रही थी ये तब की पोएट जबकि स्माइल है मम्मा की जब मैं पैदा नहीं हुई थी, जब मेरी मम्मी बहुत छोटी थी। द थ्री गर्ल्स वर स्माइलिंग इन द सी स्टैंडिंग नियर द इन द सी, और जो तीन लड़कियां हैं वो समुद्र के किनारे खड़ी हैं फोटो खिंचा रही हैं। द सी वॉज वॉशिंग देयर फीट, और जो समुद्र की लहरें हैं वो उनके पैरों को वॉश कर रही हैं। पूरी फोटोग्राफ में ये शो हो रहा था। पोएट से दैट सी हैज चेंज लिटिल सिंस देन, कहता अब कहती है कोई चेंज नहीं आया, सी जैसी थी अभी भी है, जैसे सी वेव्स चल रही थी वैसी है। बट अ टेरिबल चेंज दैट वॉज कम अबाउट दोज फीट इन वॉज वॉशिंग, मगर चेंजेस किस में आ गया, अब वो फीट जो वो वॉश कर रही थी वो फीट में चेंजेस आ गया है और वो स्माइल में चेंजेस आ गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट अ स्नैपशॉट सी बैटी एंड डॉली शी हैड सेज एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज द पास्ट माइन इन अ लाफ्टर बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज एंड लॉस। आफ्टर 20 or 30 ईयर्स व्हेन शी वॉज इन अ 30s or 40s, कहते अब वो 30s या 40 ईयर्स की हो जाती है जब वो मदर की एज 30 या 40 होती है, फिर वो फोटो देखती है। द मदर वुड टेक आउट द फोटोग्राफ एंड लुक एट इट, और मम्मा वो फोटो पुरानी निकाल के हम लोग को दिखाती थी कि देखो मैं ये थी और ये बैटी एंड डॉली मेरी कजन्स थी। बट शी हैड बीन मैरिड एंड दैट ऑफ पोएट वॉज अ डॉटर, और जब उसकी छोटी बेटी डॉटर हो चुकी थी, शी वुड लुक एट अ फोटोग्राफ एंड लाफ एट अ लिटिल, फिर क्या करती है मदर उस फोटो को देखिए थोड़ा हंसती है, फोटो में वो बहुत हंस रही थी, फिर जब वो 30-40 ईयर्स की हो जाती है वो थोड़ा हंसती है क्योंकि वो फोटो के बारे में बता रही होती है। दस द मदर वुड रिमेम्बर सी हॉलीडे एंड हर, और फिर मम्मी अपनी पुरानी सी हॉलीडे को याद करती हैं। बट नाउ ऑल दैट वॉज थिंग ऑफ द पास्ट, मगर अब क्या है, अब ये सब बीती बातें हो गई हैं, ना वो स्माइल है ना वो चीज़ है। नाउ अ लॉट हैड चेंज फॉर द मदर, शी इज नो लॉन्गर हैड दो स्वीट चॉइस ऑफ अर चाइल्डहुड,
अब मदर के चेहरे पे वो बात नहीं रही, वो बचपन की वो मासूम हंसी नहीं रही, सब फिनिश हो गया है, सब कुछ बदल गया है। हाउएवर द पोएट रिमेंबर दैट द लिटिल लाफ्टर ऑफ अ मदर एंड फॉर हर दैट अ लाफ्टर हैड बिकम अ थिंग ऑफ अ पास्ट। अब वो हंसी जो है उनके लिए क्या हो गई है, एक पास्ट हो गई है। दैट इज वाई द पोएट सेज द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, इसलिए पोएट कहती है सी हॉलीडे हमारे लिए पास्ट हो गई है। एंड हॉलीडेज जस्ट अ मदर फेसेस एंड रन turned away weary and her lost innocent joyous childhood so soon so to the poet face was turned into the losing of joy of mothers। कहते हैं जिस तरह ये फोटो हमारे लिए पास्ट हो गई है, वो खुशियां जो खुशी थी वो भी लॉस हो गई है, अब सिर्फ थकान दर्द अब इस 30-40 years में आ गया है, but अब तो ये माहौल है कि अब तो वो बिल्कुल ही नहीं है, सब कुछ फिनिश। द पोएट कॉल्स इज द लाफ्टर इज एंड लॉस, अब कहती है लेबर्ड ईज एंड लॉस सब फिनिश हो गया, द पेन ऑफ द लॉस लेफ्ट परमानेंट इम्प्रेशन ऑन देयर वेरी फेस, अब तो दर्द उनके चेहरे पे आ चुका है, वही दर्द उनके चेहरे पे उनका प्रेजेंट बन के रह गया है। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली मैनी ईयर्स, अब तो बहुत साल बीत गए, मेरी मदर भी मर गई, अब कोई नहीं रहा। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑल हिज सर्कमस्टांसेस and there is nothing to say at all, it is silence silence silence, the poet says that the mother has been dead, ab poet kehti hai ab to mother bhi nahi rahi, she is dead for the many years, ab to bahut saal ho gaye mother ko gaye hue, a photograph to sirf ek dekhne bhar ki reh gayi hai, the girl had lived for 12 years and she grew up into womanhood, pehle girl ek 12 years hi hoti hai, fir ek womanhood aata hai, fir ek weary or labor लॉस और फिर फिनिश। द पॉइंट वेज टू से दैट मदर हैड डेड अबाउट 12 ईयर्स, मदर बताती है कि 12 ईयर्स पास हो चुके हैं, मेरी मदर मर चुकी हैं, एंड नाउ शी फील्स हर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन दैट देयर इज नथिंग टू से अबाउट, अब तो मेरे संग ये सिचुएशन है, पोएट कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, एवरीथिंग इज साइलेंस, द साइलेंस ऑफ दिस सिचुएशन, साइलेंस इज अनदर वर्ड, साइलेंस सिचुएशन में भी हो गई है, साइलेंस मेरे शब्दों में भी हो गई है, लॉस एंड लेफ्ट स्पीचलेस, अब तो मैं शब्द रहित हो गई, स्पीचलेस हो गई हूँ, इट वॉज किल्ड ऑल फीलिंग्स इन हर, मेरी भी सारी भावनाएं मेरी मदर के संग किल हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, थैंक यू।